हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड एक प्रूविंग को प्रूव करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी गई है। वन माइनस अ कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन वन माइनस अ कॉस थीटा। ओके, इसको मुझे प्रूव करना है और इसको प्रूव करके मुझे लाना है आपके टू सेक थीटा के इक्वल। ओके, तो इसको एक बार दोस्तों ट्राई करिए अपने आप से खुद, और फिर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों इसको कैसे प्रूव करना है। ओके, बहुत ही ईजी है, कुछ चीज़ों का इसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ में देख लीजिए मैं क्या यूज़ करूंगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग कर देंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज मतलब यहाँ पर हम लोग इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहला स्टेप आपका जो होगा, आप स्टेप नोट करते चलिए। पहले स्टेप में इसको एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, वन अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस, ये वाला प्लस हम यूज़ कर रहे हैं, और साइन थीटा। और रेशनलाइज करने के लिए करते हैं हम लोग अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर नीचे वाल वन अपॉन कॉस थीटा है, तो वन माइनस का कॉस थीटा है, तो वन प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन प्लस अ कॉस थीटा, और इसी तरह से इसके अपोजिट साइन क्या हो गया, इसको हल्का सा बस इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। वन प्लस का कॉस थीटा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में फिर से हम लोग इसको ऐसी कॉपी रखेंगे, वन माइनस अ कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, एंड ये साइन थीटा हो गया, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। ये अंदर वाल हो गया वन प्लस का कॉस थीटा, और ये है आपका वन माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। क्यों? क्योंकि ये है वन वन माइनस ए माइनस बी, और ये a प्लस बी। आप जानते हैं कहीं पर भी a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, दैट सिंपल। अब हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में हम अगेन इसको एज इट इज कॉपी करेंगे, वन माइनस अ कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, प्लस का सिंबल। अब यहाँ पर वन माइनस अ कॉस स्क्वायर जो थीटा है, आपको पता होगा वन माइनस अ कॉस स्क्वायर थीटा किसमें चेंज हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा में। तो एज इट इज ऐसे ही आपका थर्ड स्टेप में भी बिल्कुल इसको ऐसे कॉपी करेंगे, वन प्लस का कॉस थीटा, ओके, और अपॉन का नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्टेप में आपका एक साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फोर्थ स्टेप में अगेन इसको कॉपी करेंगे, ये आपको कॉपी करते ही जाना है, लास्ट में इसका यूज होगा, ओके, प्लस का ये साइन थीटा है, ओके, और है आपका वन प्लस का कॉस थीटा, और नीचे वाला दो साइन स्क्वायर थीटा है, जिसको हम टू टाइम्स लिख लेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय का साइन थीटा। तो एक साइन थीटा से ये साइन थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब तो जगह है नहीं, तो हमें थोड़ा सा ड्रैग करना पड़ेगा, और हमारा क्वेश्चन भी है आने वाला है, ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा हो गया है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसको कॉपी करेंगे, ये बेचारा कॉपी होता रहेगा पूरे क्वेश्चन में, बस लास्ट में एलिमिनेट हो जाएगा, वन माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का ऊपर वाला क्या बचता है, वन प्लस का कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो एलिमिनेट हो गया नीचे वाले से, और नीचे वाला रह गया बस साइन थीटा। अब देखिए, अब हम इस स्टेप में लेंगे आपका एलसीएम, ओके, इस स्टेप में जब हम एलसीएम लेंगे सिक्स स्टेप में, तो क्योंकि एलसीएम सेम है, तो ऊपर वाले सेम नंबर से मल्टीप्लाई, यानी वन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बस वही नंबर आपका उतर के आ जाएगा, वन प्लस अ कॉस थीटा, और एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, देखिए साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब देखिए ये यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव में है, और ये कॉस थीटा निगेटिव में है, तो ये निगेटिव वाले से पॉजिटिव वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, इसको अब और थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं, काफ़ी लंबे क्वेश्चन चले आते हैं, धीरे धीरे ये जो क्वेश्चन के साइज है वो इंक्रीज होता रहेगा। तो
तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ओके, सारे बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक मैं पहले ही वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर चुका हूँ, मगर अगर इसमें मैं सब कुछ क्लियर करूँगा तो लेंथी बहुत वीडियो चली जाएगी, कम से कम आधे एक घंटे की पहुँच जाएगी। तो उससे बचने के लिए मैं थोड़ा कंसाइजली पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये वन ये हो जाएगा आपका टू अपॉन साइन थीटा, और आप जानते हैं कहीं पर अगर वन अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा, क्योंकि तो यहाँ पर टू लिखा है तो टू, और एक साइन किस में ऊपर है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, ये चेंज हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा में। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये प्रूफ हो चुका है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये चीज आपकी प्रूव हो चुकी है, देख रहे हैं यहाँ पर कॉसिक थीटा, और हमारा जो आंसर आया है वो भी कॉसिक थीटा आ चुका है। ओके, ये कॉस थीटा हमारा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा हमारा प्रूव हो चुका है। देखिए ये कॉस थीटा प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। 7 स्टेप में था, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस प्रैक्टिस पे था, कैलकुलेशन था, और बार बार वही स्टेप उतारना था, ज़्यादा नहीं है। बस देखने में आपको हेफ्टी लग रहा है, वरना इतना ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशन और थोड़ा बहुत लॉजिक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको वाकई हेल्पफुल लगी, इसने हेल्प करी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही मैथ्स रिलेटिव और वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई अगर क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना पोस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक लिए मेरा ख्याल रखिए, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।